वालेकुम। आज हम सब लोग छात्रों में इंटरनेट के प्रति जो एडिक्शन बढ़ रहा है और आम लोगों में भी जो इंटरनेट के प्रति एडिक्शन बढ़ रहा है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा बार बार होती रहती है, लेकिन बार बार होते रहने से भी चूंकि एक बहुत ही सामयिक मुद्दा है, इसलिए इसे हम सदैव एक चिंता का विषय बनाए रखते हैं और अपने को भी इसे इस तरह से मैनेज करने का प्रयास करते हैं कि जीवन के अन्य कार्यक्रम भी चलते रहें और इंटरनेट का प्रयोग भी चलता रहे। लेकिन जब आदमी इसकी लत में पड़ जाता है तब उसे हम कहते हैं एडिक्शन। एडिक्शन होता है कि अगर हम इंटरनेट को कुछ दिनों के लिए दूर कर दें तो आदमी बेचैन हो जाता है, और कुछ लोग तो कुछ घंटों से दूर करने पर बेचैन हो जाता है। अगर वही समय घंटों के बजाय मिनटों में हो जाए तो समझिए आपके साथ समस्या है। जब से ऑनलाइन क्लास है बहुत सारी चीजें चली हैं, तो 10 साल का बच्चा भी हो, 60-70 साल के बुजुर्ग भी नेट का प्रयोग कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि जीवन में बहुत जरूरी है, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। जब ऐसा लगता है तो आदमी दोस्तों से भी अलग हो जाता है, परिवार से अलग रहता है, उसे परिवार की ज्यादा चिंता नहीं रहती है और दोस्तों से बात करने का मन नहीं करता, ना उसका खेल कूद में मन लगता है। वह सोचता है कि बस नेट की आभासी दुनिया में रहो, जहां पर फेसबुक हो, जहां पर व्हाट्सएप हो, जहां पर गेम्स हो। आपने देखा होगा गेम से बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, तो ये कितनी बड़ी लत है। इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों की जान भी जा रही है। और आंख खराब होना, समय का नष्ट होना, समय का किल होना तो बहुत आम बात है। अब विद्यार्थी जिसे पढ़ने में समय लगाना चाहिए वह पता चला इंटरनेट की आभासी दुनिया में मस्त है। अब देखिए दो चीजों के कारण लोग प्रयोग करते हैं भाई, जो खुशी खोजते हैं और चाहते हैं कि दुख दूर रहे, तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे खुशी भी मिलती है और दुख भी दूर रहते हैं, तो क्यों ना फिर लोग इसका प्रयोग करें। लेकिन आप समझदारी इस बात में है कि हम समझ बूझ कर प्रयोग करें, क्योंकि कोई चीज अगर हमारे हाथ में है तो उसे हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, फायदा भी ले सकते हैं। इंटरनेट का प्रयोग जो लोग ज्यादा करते हैं, तो वैज्ञानिकों ने जब उनके दिमाग का अध्ययन किया तो जिस तरह से हम शराब के पीने से दिमाग में जो लक्षण होते हैं वही इंटरनेट के ज्यादा प्रयोग से भी होते हैं। इससे माना गया कि ये चीजें एक दिमाग पर शराब की लत की तरह असर डालती हैं और उसकी लत लग जाती है। तो इस लत को दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारा विचार मंथन हुआ है, लेकिन आत्मनियंत्रण से बढ़कर कुछ नहीं। अगर हमारे पास सेल्फ कंट्रोलिंग है, हमारे पास एम है, उसके अनुसार हम चलते हैं तो बहुत अच्छा है। अपने उद्देश्य को अगर हम ध्यान में रखते हैं तब जा करके फिर हम ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। तो हम आप सबको और अपने लिए भी ये कहेंगे कि चीजों को संभल कर प्रयोग करने में ही समझदारी है और इसी में हमारे जीवन की अच्छाई भी है। सबको